अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फ्रॉम जीएम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास आईफोन एसई 2020 मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है यूज़ की वो बताऊँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल आज भी सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है मेरे पास, ये नॉन पीटी सेट है। डिमांड आ रही थी मेरे पास एसई 2020 नॉन पीटी के हवाले से, तो ये जो मेरे पास फ़ोन है ये नॉन पीटी डिवाइस है, पीटी एक्टिवेट नहीं है ये। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार इसकी कंडीशन चेक करवा देता हूँ। 10/10 कंडीशन कह सकते हैं आप। बैग से बिल्कुल साफ़ फ़ोन है, किसी किस्म के निशान नहीं मिलेंगे। सेट और चार्जर जो है अवेलेबल है, ये बॉक्स इसके साथ नहीं है। बैग में जेली प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन नीचे से बिल्कुल साफ़ है। साइड भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। साइड भी इसकी बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म के आपको निशान वगैरह नज़र नहीं आएंगे। खुला हुआ फ़ोन नहीं है, वाटर पैक फ़ोन है, वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है ये। कुछ भी जो है इसका चेंज नहीं है, सब चीज़ें इसकी ओरिजिनल लगी हुई हैं। बाकी फिंगरप्रिंट मैंने लगाया हुआ है, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। सही प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आपको पता है कि ये न्यू डिवाइस है, इतना इशू आता नहीं है इनमें। और बाकी मैं आपको जनरल में आके, अबाउट में आके इसका जो है डिटेल चेक करवा देता हूँ। यूके मॉडल है ये, बी से जो है इसका लास्ट बी है। बी जो होता है वो यूके मॉडल होता है, और ई सिम के साथ आपको पता ही आता है। दोनों सिमें जो हैं इसकी पीटी अप्रूव नहीं है। सिम अभी ये नहीं चला रहा, लेकिन अगर आप ई सिम लगाते हैं इसमें तो ई सिम आपके ये 2 मिनट तक चलाएगा। क्योंकि एट अ टाइम अगर आपका फर्स्ट करें मोबाइल ड्यूल सिम है, तो आपका जो वो फ़ोन है वो 4 मंथ्स तक चला सकते हैं आपकी डिवाइस को। फर्स्ट टाइम आप अपनी जो है फर्स्ट जो है सिम यूज़ करें, 2 महीने अगर वो बंद होती है, उसके बाद आप जो है डिजिटल सिम या अगर वो फिज़िकल डुअल है तो फिर आप दूसरी सिम उसमें डाल लें, 2 महीने वो और चलाएगा मज़ीद। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया। और इसकी जो कैपेसिटी है 64 GB इसकी जो है कैपेसिटी है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। वाटर पैक जो है फ़ोन है, बटन वगैरह प्रॉपर हर चीज़ इसकी वर्क कर रही है। न्यू डिवाइस इतना भी इशू आता नहीं जैसे मैंने बताया। और डॉट वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, कोई स्क्रीन पे किसी किस्म का आपको डॉट वगैरह नहीं मिलेगा। ट्रू टोन यहाँ से आपको इसमें एक्टिव मिलेगी। बाकी वाईफाई की स्ट्रेंथ होती है वो भी चेक करवा देता हूँ आपको। ये डिवाइस भी जो है फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट करती है। वाईफाई की स्ट्रेंथ भी इसकी बिल्कुल ठीक है। बैटरी हेल्थ भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। बैटरी हेल्थ जो है इसकी 85% बैटरी हेल्थ है, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। इसको ऑफ कर दिया करें आप। जब भी आपने मोबाइल फ़ोन इतना चार्ज करना है, ख़ासतौर पे आईफोन, तो एक काम आपने ज़रूर करना है कि लो मोड पे आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना इसको। ठीक है, 20 से नीचे है तब आप इस्तेमाल कीजिएगा, और ये लो मोड लगा के चार्जिंग पे मत लगाया करें। उससे बैटरी हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है, बैटरी हेल्थ नीचे आती है। लो पावर मोड ऑफ करके जो है चार्जिंग पे लगाया करें, और चार्जिंग में लगा के मोबाइल हो सकता कम से कम यूज़ किया करें। अक्सर लोग जो है चार्जिंग में लगा के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर आईफोन, तो इससे भी आपकी बैटरी हेल्थ को जो है इफेक्ट पड़ता है, तो वो कम से कम किया करें। और जो मैंने बताई मेन चीज़, ये लो पावर मोड बंद कर दिया करें। 20 से नीचे इसको आप कोशिश किया करें ऑन करें, और ये ऑन करके चार्जिंग पे डिवाइस मत लगाया करें, उससे आपकी बैटरी हेल्थ जो है इफेक्ट होती है। अभी भी 85% बैटरी हेल्थ है, अच्छी बैटरी है, अभी भी आपकी 2-3 साल आराम से जो है सेट ये निकाल जाएगी अगर आप तरीके से यूज़ करते हैं। ओवर चार्ज नहीं करते, चार्जिंग में लगा के इस्तेमाल नहीं करते, अभी भी आपको अच्छी टाइम ये दे देगी। बाकी जो है प्रॉपर हर चीज़ इसकी वर्क कर रही है। साउंड में आकर आपको मैं साउंड वगैरह भी इसका चेक करवा देता हूँ। साउंड भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, स्पीकर वगैरह का। न्यू डिवाइस है आपको मैंने बताया, 2020 मॉडल है ये। सेंसर भी जो है आईफोन के सेंसर काम कर रहा है। कैमरे भी आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। कैमरे भी जो है इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। पिक्चर लेके भी आपको मैं एक बार चेक करवाता हूँ उसकी। फ्रंट कैमरे की जो है ये पिक्चर है। कैमरे वगैरह जो होते हैं आपने ऑन द स्पॉट चेक करने होते हैं, जहाँ से भी आप अगर फ़ोन लेते हैं आईफोन खासतौर पे, किसी भी शॉप से लेते हैं, तो कैमरा टच और स्क्रीन लाजमी चेक किया करें, क्योंकि बाद में शॉप के ऊपर इसकी वारंटी क्लेम नहीं करता। और तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं, क्योंकि आपके सामने होता है मोबाइल, तो आप थोड़े आधा घंटा चेक करें पहले डिवाइस को, जल्दबाजी ना करें, फिर जाके जो है डिवाइस लें आप।
फिर जाके जो है डिवाइस लें आप, ताकि आपको जो है फ्यूचर में मसला ना आए। तो बाकी जो है फ़ोन की ओवरऑल हर चीज़ इसकी परफेक्ट काम कर रही है। बाकी भी मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ तरीका चेक करने का, कैसे आपने ओरिजिनल डिस्प्ले चेक करना होता है। वाटर पैक होते हैं सेट, यहाँ से आपसे निकाल के अगर आप हल्की सी फूंक मारते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अगर तो हवा साइडों से क्रॉस हो रही है, ज़्यादा क्रॉस हो रही है अगर, तो इसमें इनके सेट ओपन है। अगर कहीं की जगह से हो रही है तो इसमें क्योंकि आपको पता है कि सेटअप जो सेट होते हैं हीट होते हैं काफ़ी, जो ओल्ड डिवाइसेज होती हैं उनके उनमें अक्सर इशू आता है कि उनकी कुछ जो है साइड से एयर हल्की हल्की सी लीक होती है, हर जगह से नहीं होती, कुछ जगह से हो रही होती है। तो उसमें होता है कि जो आपकी जो सील होती है, जो गम होती है डिवाइस की, वो पिघल जाती है या तो वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइड से बाजू का एयर को जो है वो क्रॉस करता है। अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं होता। बाकी सेट हर कस्टमर दुकानदार अपनी चेक वारंटी लाजमी देता है। तो लेकिन सेट जो मैंने बताया आपको कि प्रॉपर हर चीज़ इसकी काम कर रही है, नॉन पीटी की डिमांड आ रही थी मेरे पास, तो ये फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है अभी। प्राइस जो है इसकी 38,000 रुपीज़ सेट की प्राइस है। जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं वो मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एम टेक।